जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप में से किस किस को सीटी बजाना आती है? इससे ज्यादा नहीं आ रही। आपको आती है बेटा? मुझे तो नहीं आ रही इससे ज्यादा। मैंने सुना सांप की आवाज। मैं वीडियो बना रही हूँ, सांप की आवाज नहीं, मैं सीटी बजा रही हूँ। किस कौन कर रहा? आपकी मम्मा कर रही है। तो संगत जी, लाख कोशिशों के बाद भी मुझे सीटी बजाना नहीं आ रही, इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं आती। तो ये तो कोयल बोल रही है, कोयल जैसी आवाज कहाँ से निकाली? ऐसे सीटी बजती है, वो ऐसी होती है ऐसे वाली, वो नहीं आती। तो संगत जी, मुझे भी नहीं आती, मैंने बड़ी कोशिश की। तो ये सीटी का मसला क्या है, तो अभी मैं आपसे साझा करती हूँ। तो सबसे पहले, जो भी चैनल पर नए हैं ना, जो आज ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को शेयर सॉरी सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को नहीं, पागल हो गई हूँ आदि में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, और जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है ना, आपकी स्क्रीन पर आ सके इसलिए। तो संगत जी, सबसे पहली बात, गुरुजी महाराज जी के जन्मदिन पे हम सब ने बहुत खुशियाँ मनाई हैं। मैं तो संगत जी नाच नाच के झूम झूम के पागल हो गई, बिल्कुल कमली होगी। लेकिन संगत जी, सभी का ना एक अलग अलग तरीका होता है खुशियाँ मनाने का। तो जन्मदिन से एक दिन बाद गुरु जी का फिर से बर्थडे सेलिब्रेशन हुई एक जगह पे, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन देखो, जब आप पे कोई ब्लेम करता है ना, तो आपको वो क्लियरेंस जरूर करनी पड़ती है। क्लियरेंस इसलिए नहीं करनी है कि आप झूठे हो या आप सच्चे हो या आपको किसी का डर है। क्लियरेंस इसलिए करनी है कि इसमें हमारे भगवान का नाम, हमारे गुरु जी का नाम इससे ख़राब होता है। सभी में उनकी भी खराबी आती है और हमारी में भी। तो संगत जी, बात यूँ है कि एक घर पे हम गुरु जी महाराज का सत्संग करने गए थे, और वहाँ पे जो आंटी थी, उनका अपना खुशी मनाने का जो तरीका था, तीन चार आंटियों का अपने ढंग से था। तो उन्होंने अपने तरीके से खुशी मनाई, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, शायद वो उसी तरह गुरु जी के साथ खुश रहती हैं, या उन्होंने शायद पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, या यूँ कह लें कि सबकी अपनी अपना तरीका होता है। और दूसरों के लाख समझाने पर भी हम नहीं मानते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ खुद को सही मानते, हम दूसरों को सही नहीं मानते। तो संगत जी, लेकिन बात तब हद हो गई कि किया किसी ने, और भुगतान मुझे वो करना पड़ा। और वो भुगतान क्या हुआ संगत जी? संगत जी, जब सत्संग गुरु जी महाराज जी का ख़त्म हुआ है, तो जब भजन चल रहा था, जिसमें नाचने गाने की बारी थी, गुरु जी के ऐश करने की बारी थी, जाने की बर्थडे की सेलिब्रेशन की बारी थी, तो तीन चार आंटियों ने जोर जोर से सीटियाँ बजाई, और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि आज तक हमने, जहाँ तक हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, अपने पीछे मायके परिवारों में भी देखा है, जब अपने आगे भी जितनी भी आज तक की लाइफ है, ये 40 साल 42 43 साल की उम्र हो रही है, इससे ज़्यादा ही होगी, तो इस जर्नी में हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी, तो हमें थोड़ा अटपटा लगा, और मुझे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था, और मैं शायद मना भी कर रही थी, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। उनको यही था कि हमारा अपना तरीका है खुशी मनाने का, तो मैंने भी सोचा भाई उनका अपना तरीका है, और मैं उठ के ऊपर रूम में उनके चली आई। लेकिन जब वो सीटी बजा रहे थे, तो मैं उनके पीछे बैक पे खड़ी होके मैं माइक की तार लपेट रही थी। तो संगत जी, मैं नहीं जानती कि ये सब जानबूझ के किया गया है या खुद से हुआ है। तो वो वीडियो उन्होंने लाइव डाले, जिसमें मैं तार लपेट रही थी। मैं नहीं ये बात कह रही हूँ संगत जी कि उन्होंने मुझे हर्ट करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए ये हरकत की होगी, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, इंसानों के हाथों आप नहीं गिर सकते जब तक आपको रब नहीं गिराता। तो रब के गिरे इंसान गिरता है, तो रब की नज़रों में आप अच्छे रहो, इंसानों की नज़रों में हमें अच्छा बनने से ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो क्योंकि अगर आपके साथ 10 अच्छे हैं ना, तो 10 लोग बुरे भी हैं, जो आपको हमेशा नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि ये संसार है। अगर इस संसार में सभी अच्छे हो जाएं, तो इस संसार में कभी पाप ही ना हो, कभी कोई गलतियां ही ना हो, कभी कोई दुखी ना हो। लेकिन संसारिक प्राणी होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ इंसान दूसरों को ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं कि इसको नीचा कैसे दिखाएं, ये बहुत चढ़ रही है। एक्चुअली लोगों के दिमाग में ये बहुत चढ़ रही है, कोई ये नहीं देखता कि ये कितनी मेहनत कर रही है, और अगर ये कुछ कर रही है तो अपने लिए कर रही है, और अगर हम कुछ करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, लेकिन ये बात कोई नहीं सोचेगा। जेलेसी, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरों को नीचे गिराना, ये हमारे संसार में बहुत आता है। शायद हम भी कभी ऐसे
होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी मैं ऐसी रही होंगी। लेकिन फिर भी बीइंग ह्यूमन, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ी देना। लेकिन संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने पर ना आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, आप एकदम बदल जाते हो। लेकिन तभी बदलोगे जब आप सच्चे तन और मन से गुरुजी महाराज से जुड़ोगे। मैं किसी को एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में नीचे आने वाला है कि आंटी जी आप परवाह नहीं किया करो, लोगों का तो काम होता है कहना। जी हाँ संगत जी, लोगों का तो काम होता है कहना, लेकिन उनको चुप कराना भी आपका काम है। वो क्यों? क्योंकि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी कह दिया कि मेरी उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम या पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और मैं इतना भी समझ सकती हूँ कि शायद उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा। लेकिन उनकी इस हरकत से दाग मेरे दामन में संग जी लगा है, और हर जगह यही चर्चा भरे। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, अनुराधा आंटी आपके सत्संग में तो सीटियाँ चलती हैं, आप सीटियाँ बजा रहे थे। अब मैं उन संगतों को कैसे समझाऊँ? गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से आज तक 2000 सत्संग गुरु जी महाराज ने करा दिए होंगे, कभी उसमें सीटी नहीं बजाई। बर्थडे वाले दिन गुरु जी महाराज ने सत्संग कराया जिसमें मैं पागलों की तरह लोटपट होकर नाच रही थी, उसमें सीटी नहीं बजाई। तो संग में ऐसा क्या था कि मुझे सीटी बजानी पड़ी? और संगत जी बिलीव मी, मुझे सीटी बजाना भी नहीं आती। इवन मैं घर पे आके प्रैक्टिस कर रही थी, अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, मेरे हस्बैंड को भी सीटी बजाना नहीं आती। जबकि अपनी बेटी को कहा तो वो सांस ऐसे भर के तो कोयल की तरह सीटी बजा रही थी, कोयल वाली आवाज़ निकाल के, और बेटे को भी सीटी नहीं बजाना आती। तो जब हमारे घरों में किसी को सीटी बजाना ही नहीं आती तो मैं सत्संगों में कहाँ सीटी बजाऊंगी? और हद तो तब होगी जब आज भी मुझे कॉल आई तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी भी चाहते हैं कि भाई जो सच है वो तू सामने ला, क्यों अपनी छवि ख़राब कर रही है, क्यों कोई मेरे को मैला करने में लगा हुआ है। तो संगत जी क्या मिलेगा आपको? जब तक, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, जब तक आप पूरी जांच पड़ताल नहीं कर सकते आप तब तक ब्लेम मत किया करो। सबसे पहले आप लोग कहते थे, मैं सारे संगतों को नहीं बोल रही क्योंकि जो मेरे गुरुजी की प्यारी संगतें हैं ना वो ऐसी नहीं है, लेकिन जो नॉन संगतें हैं, जो लोग हैं, सबसे पहली बात वो जब तक पूरी बात नहीं जानते कुछ भी ब्लेम कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर आज से 2 साल पीछे जाऊं तो जब अमृत वर्षा की वीडियो डालती थी तो लोग मुझे कहते थे कि ये खुद ही करती है सब कुछ व्यूज़ पाने के लिए। संगत जी आपको पता है कि व्यूज़ से क्या मिलता है? इतनी नॉलेज है, मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा 500 व्यूज़ आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5K आ जाएगा, 10K आ जाएगा। लेकिन आपको पता है 10K व्यूज़ भी हों तो आपको क्या मिलता है? ये बातें आपको पता है? अगर आपकी एक वीडियो में जो कि इस तरह की क्या बोलते हैं आस्तिक वीडियो जिनको बोला जाता है, भगवान से जुड़ी हुई वीडियो जो होती है, अगर उस पर आपका एक दिन का 10K व्यू भी आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 रुपीज़ मिलते हैं। आप सोच सकते हैं ये बात कि उन 30-35 रुपए के लिए मैं इतना गिर जाऊंगी कि मैं ऐसी हरकतें करूंगी? भाई मेरे परिवार में तो मुझे ये सब नहीं सिखाया गया है, हमने बचपन से ये सब चीज़ें अपने घरों में देखी हैं, शक्ति और भक्ति आस्था, और मेरी माँ तो पत्थरों को भी पूजती है, हमने उसे पत्थरों को भी मनाते देखा है। ये सब चीज़ें हमें मायके से मिली हैं, है ना, या जो कह लीजिए कि विरासत में मिली हैं। एक ऐसे खानदान में मैं पैदा हुई हूँ जहाँ बचपन से ही हमने भक्ति देखी है। तो संगत जी हम क्यों ऐसा करेंगे? लेकिन हद तो तब हो गई, आज जब जो लोग बोलते थे वही लोग अब वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में ये हो गया। स्पेशली रिपोर्टर्स जा रहे हैं उनके घर में ये वीडियोस डालने। तो जीत किसकी हुई? गुरुजी महाराज जी ने अपनी बेटी की जीत कराई ना, क्योंकि उनकी बेटी कहीं ना कहीं सच्ची थी और हमेशा सच बोलती रही, और गुरुजी हमेशा कहते रहे तू टेंशन नहीं लेनी, तू किसी ने जवाब नहीं देना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी अग्रेसिव हो जाती थी और जवाब देती थी, लेकिन गुरुजी ने आखिर अपनी बेटी की जीत करा दी। अब और कोई बस नहीं चला तो अब मेरे पे ब्लेम आ गया है कि ये सत्संग में सीटी बजा रही है। सीटी बजाते किसी ने देखा है नहीं है, पास खड़ा है। अब कोई एक क्राइम कर रहा है उसके पास कोई खड़ा हो जाए तो क्या वो भी क्रिमिनल है? और वो भी कोई जानबूझ के नहीं खड़ा हुआ है, वो अपना कार्य कर रहा है। और अगले बंदे को क्या पता जो अपने काम में मस्त है कि कोई लाइव वीडियो डाल रहा है? अगर ऐसी बातें दिमाग में हो तो बंदा हट के ना दूर चले जाए। तो मेरे तो दिमाग में दूर दूर तक ये खबर नहीं थी कि मैंने कहा ये बजा रही हैं और मैं इनको मना कर रही हूँ तो ये मान ही नहीं रही हैं। और जी मैं बहुत मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पे एक ब्लेम लगा हुआ है, और इस ब्लेम को मिटाने के लिए मुझे आपकी वो वाली वीडियो भी इसमें पोस्ट करनी पड़ेगी जो मुझे लोगों ने भेजी है। कितने सारे लोगों ने मुझे वो वीडियो पोस्ट की है, देखो अनुराधा आंटी आप तो इसमें सीटी नहीं बजा रहे तो आप पे ब्लेम क्यों आया है? तो वही सच्चाई साबित करने के लिए, देखिए सच्चाई साबित करने के लिए ना भगवान हमें जरिया बनाता है।
ईश्वर खुद नीचे नहीं आते, वो कुछ ना कुछ ऐसा हमें देते हैं। तो मुझे भी संगतों ने वो वीडियो भेजी है और उनके मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी संगतों ने मुझे कहा है कि हमारा नाम नहीं लेना है, और मैंने चाहती कि वो संगतें हर्ट हो। और जिन आंटी जी ने ये लाइव डाला था, मुझे उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी एक आंटी है, रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। लेकिन हाँ आंटी जी, जब बात मेरे अस्तित्व की आएगी, जब मेरे पे किसी ब्लेम की आएगी, जब मेरी भक्ति पे सवाल उठेंगे, तो फिर मुझे ये ज़रूरी है ये चीज़ डालना। तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए बिना मतलब क्या मैं कोई ब्लेम नहीं सुनूंगी, क्योंकि जब से मैं सत्य की राह में जुड़ी हूँ तो मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और सेकंड जो एक और बात मैं आपसे कह रही हूँ, लोग जो गुरुजी के बारे में गलत गलत कमेंट करते हैं, गुरुजी ने सुसु कर लिया होगा, गुरुजी ने फलानी चीज़ कर ली होगी, गुरुजी ने ये कर लिया होगा, उनको शर्म नहीं आती क्या? उनको भगवान से डर नहीं लगता? वो ऐसी बातें कैसे करते हैं? ठीक है संगत जी, आप भगवान को नहीं मानते, आप गुरुजी को नहीं मानते, तो मत मानिए। ना ही हम आपको स्पेशल लिख के भेजते हैं कि आप ये वीडियो जरूर देखें, मैं कभी भी नहीं बोलती। लेकिन आपको वीडियो देखनी भी है और गंदे कमेंट करने भी है, तो आपको पता है इन गंदे कमेंट से क्या हो रहा है? आपका भाग्य खराब हो रहा है, आपके कर्म खराब हो रहे हैं, आपकी जुबान गंदी हो रही है, और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो कभी भी जब तक आप, चाहे कोई इंसान है चाहे कोई भगवान है, किसी पे भी उंगली मत उठाओ, किसी को भी गलत मत बोलो। आप लोग तो भगवान को ही नहीं छोड़ रहे, तो मुझे कहाँ छोड़ोगे? ये सब महाशिव हैं, महाशिव के अवतार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टली शिव जी को ही मनाओ ना, गुरु जी को क्यों मना रहे हैं अगर ये शिव जी के अवतार हैं? भाई हर एक रूप होता है हर एक भगवान का, तो हमें गुरुजी वाला रूप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे इन्हीं में शिव दिखते हैं, इन्हीं में गुरुजी दिखते हैं, इन्हीं में मुझे और भी भगवान दिखते हैं। तो मेरी मर्जी है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किनको मनाऊँ या ना मनाऊँ, आपको थोड़ी पूछना है। और वैसे भी हम इतने सेल्फिश हैं, जिस रूप में हमें भगवान ज़्यादा ब्लेस कर रहे होते हैं, हम उसी रूप को संगत जी मानते हैं। तो संगत जी, आज मैं वो अपनी सच्चाई पेश कर रही हूँ, क्योंकि आप में से ही बहुत प्यारी संगत है जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और जिनको पूरा यकीन है कि अनुराधा आंटी ये बातें नहीं कर सकती। बहुत सारी संगतें उस वक्त वहाँ अवेलेबल भी थी, और किसी से भी कोई पूछे कि क्या वो सीटियाँ अनुराधा आंटी में जा रही थी, अनुराधा आंटी के जहाँ जिस घर में वो बिलोंग करती है, जहाँ जिस घर में जिस पति के साथ रहती है, जिस फैमिली के साथ रहती है, वो बहुत डाउन टू अर्थ और मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग। हमारे घरों में ये नहीं सिखाया जाता। मैं घर से इज्जत से निकलती हूँ और इज्जत से अपने घर पे शान से आती हूँ, और इसमें अगर मेरी इज्जत को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो वो मेरे रब, मेरे गुरु जी उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा नुकसान नहीं है, मेरी इज्जत को दाग नहीं लगा रहे, मेरे प्रभु मेरे गुरु जी को दाग लगा रहे हैं कि इसको गुरु जी ने क्या सिखाया। तो गुरु जी ने मुझे मेरी भक्ति मेरे तरीके से खाई है। जब गुरुजी महाराज सत्संग की सेवा देते हैं, आज तक हमने कभी सीटियां नहीं बजाई हैं, इस तरह से हुल्लड़पन नहीं किया है। तो अपनी अपनी इच्छा है, आप अपने अपने घरों में जो मर्जी कीजिए। जब हमने उनसे सवाल किया है कि भाई ऐसे नहीं करते, तो वहां पर बोला गया है कि हमारी जो भगवान जी हैं अपने बच्चों को इतना खुश देकर ऐसे ही खुश होते हैं। तो संगत जी, अगर ऐसा ही होता है तो फिर भगवान के मंदिर में जाके ऐसे ही काम करना चाहिए, नतमस्तक नहीं होना चाहिए, वहाँ जाके सिर्फ भांगड़े डालने चाहिए और सिर्फ सीटियाँ बजानी चाहिए, भगवान तो खुश हो जाएंगे, आप भी एंटरटेन हो जाएंगे। लेकिन मैंने अभी तक ये सब नहीं सीखा है, तो जब तक नहीं सीखा है और मैं नहीं करूँगी, और मैं सीखना भी नहीं चाहती। मुझे जैसे सिखाया गया है साफ अपने हृदय से, मैं जैसे मुझे गुरुजी सिखा रहे हैं जिस रास्ते पर चलना, जैसे चला रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे। बहुत सारे हमारे सेवादार भी वहाँ साथ ही थे, जबकि सेवादारों को भी बड़ा हर्ट किया गया। एक हमारी सेवादार आंटी हैं, वो बार बार संगत से बोल रही हैं कि आंटी प्लीज़ आप मत ऐसा करें, आप रास्ते में हैं लंगर प्रसाद गिर जाएगा। लेकिन वो आंटी इतनी जिद पर आ गई थी, वो कहते जब आप लंगर प्रसाद सर्व करोगे तो हम उठ जाएंगे। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमें स्पेशली चेक करने आए हैं हमारी सेवा को, जहाँ हमें नुकसान पहुँचाने आए हैं, जहाँ हमारी छवि को ख़राब करने आए हैं। आरती आंटी के हाथों से हलवे प्रसाद वाला डोंगा फिसलने ही लगा था हॉट केस, लेकिन आरती आंटी ने झटके से पकड़ लिया। तो किसी ने बोल दिया कि ये कैसे सेवादार है? क्यों संगत जी, सेवादार क्या घर से सेवा करने के लिए जाते हैं तो वो इंसानी रूप में नहीं होते? वो क्या रब बन जाते हैं? वो इंसान होते हैं, इंसान से भी गलती हो जाती है, इंसान को भी ठोकर लग जाती है। जब आप इतना दुम धड़ाका इतना शोर शराबा करोगे तो इंसान कहीं ना कहीं फिसलेगा भी इतनी भीड़ में, है ना? तो अगर वो फिसल गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सेवादार नहीं है, जहाँ उसकी सेवा में कोई कमी है? आज वो सेवा कर रही है, कल को उनकी जगह पे आप भी हो सकते हैं। अगर आपसे ऐसा हो जाए, देखिए मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, मैं नहीं जानती, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं वही बोलूँगी जो हुआ है। मैं उन संगत का नाम नहीं ले रही जिनके घर पे सत्संग था, ना ही मैं किसी और का नाम ले रही हूँ। लेकिन हाँ, जो हर्ट हुआ है वो सब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी सत्संग को सत्संग रहने दें, है ना?
डिस्को मत बनाएं, किट्टी पार्टी का रूप मत दें, सत्संग है गुरु जी महाराज जी का, गुरु जी के कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, और कायदे कानून नहीं होते तो लोग इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करते। फिर भी हम इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करते क्योंकि हम देखते हैं गुरु जी महाराज जी की इतनी सारी वीडियोज जिसमें संगतें प्रेम से बैठी होती थी और इंसान बन के बैठी होती थी, उनको टैबू बना के नहीं बिठाना है कि वो टैबू ही बन जाए और उनके मन में एक डर ही बैठ जाए कि सत्संग में जाना है 2 घंटे तो हमें ऐसे स्टैचू बन के रहना पड़ेगा, तो ऐसे सत्संग भी ना कराएं। इंसान को इंसान की तरह रहने दें और मर्यादाओं का पालन करें। जब सत्संग चलता है ध्यानपूर्वक नतमस्तक होकर अपना कनेक्शन बनाएं, आप अपना कनेक्शन बनाएंगे आपका फ़ायदा है, हमारा नहीं। और उस दिन भी हमने यही बोला तो कुछ संगतें बोलती कि हमारा कनेक्शन ऐसे ही बनता है। अब देखो संग लोगों के पास हर एक बात का जवाब है, तो उनके आगे हम हार गए और हम उठ के अपने ऊपर अलग कमरे में चल गए क्योंकि ज़्यादा बहसबाजी जब किसी के घर में तमाशा करने से बेटर है आप अपना रास्ता बदल दो। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर एक इस तरह की क्लिप आती है जिस पर आपको ब्लेम किया जाता है और उस क्लिप से आपका कोई लेना देना ही नहीं है तो वो फिर बर्दाश्त के बाहर है। तो प्रभु भी कहते हैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो, सबूत जुटाओ और पेश करो, और गुरु जी के आशीर्वाद से खुद ही वो वीडियोस मेरे पास आ गई और अब मैं वो वीडियो आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। देखिएगा इसमें मेरी क्या गलती है और क्या मैं सीटियाँ बजा रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ। मेरा फैसला संगत जी गुरु जी ने तो कर ही दिया है लेकिन आपके हाथ भी है। जय गुरु जी। तो देखिए अब आगे की वीडियो। शुक्राना गुरु जी, वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिए। माँ को सुना रही है नहीं? संगत जी ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ये किसी ने रिकॉर्ड करके मुझे भेजी है जिसमें देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है मैं बाहर को लपेट रही हूँ माइक की और ये आंटी सिटी बजा रहे हैं। तो अब आप ही देखिए और आप ही फैसला कीजिए कि ये सिटी मैंने बजाई है या इन आंटियों ने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज सभी के साथ होते हैं, अंगरक्षक हैं गुरु जी महाराज, सबका साथ देते। मैं नहीं जानती संगत जी ये जानबूझ के किया गया है या गलती से हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ये मेरा इंसाफ है। अब आप ही देखकर बताइएगा संगत जी, गुरु जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं और अगर कुछ गलती से भी किया गया होगा तो इसका दंड गुरु जी महाराज जरूर देंगे। शुक्राना गुरु जी, आपके हवाले ज़िंदगी है, आपके नाम से घर से निकलती हूँ, शान से लेना और शान से ही मुझे घर पर लाना गुरु जी।